नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक इट। मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई शिक्षा कोष पर यदि दर्ज नहीं की गई तो होगी एचएम और प्रभारी एचएम पर कार्रवाई। इससे संबंधित यह वीडियो है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वो खबर और क्या है वो पत्र और क्या है प्रामाणिकता इस खबर की कि एमडीएम की रिपोर्ट अगर नहीं दर्ज की जाती है तो होगी कार्रवाई। तो देखते हैं वीडियो में क्या है कि एक पत्र है, वो पत्र है आपको 2038। ये आपको मिथिलेश मिश्र निदेशक मध्याह्न भोजन योजना ने सभी डीओ को और डीपीओ एमडीएम को लिखा है और जिसमें कहा है, उसका विषय सामने है कि मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज कराने के संबंध में कहा गया है इनको कि दर्ज कराइए। यहाँ कराने वाले ये वर्ड को शब्द को यूज किया गया। आइए देखते हैं क्या है नीचे। उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से विद्यालयों में उपस्थित शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब आगे है, हम सब शिक्षक दर्ज कर रहे हैं। एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई शिक्षा कोष पर दर्ज नहीं की जा रही। बात यही की जा रही, शिक्षक की उपस्थिति दर्ज हो रही है लेकिन जो मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चे हैं यानी जो बच्चे एमडीएम का लाभ उठा रहे हैं उनकी संख्या ई शिक्षा कोष पर दर्ज नहीं की जा रही। अतः उपरोक्त के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें एवं प्रतिदिन संध्या में प्रतिवेदन दर्ज नहीं करने वाले विद्यालयों की पहचान कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। क्या कहा गया है, यही कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कब कहा गया है, प्रतिदिन संध्या में प्रतिवेदन दर्ज नहीं करने वाले। यानी क्या प्रतिवेदन, यानी एमडीएम की रिपोर्ट ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज नहीं करने वाले एचएम पे कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। यह एक बहुत बड़ा अलार्म है कि आप अलर्ट हो जाइए और ई शिक्षा कोष ऐप पर आप एमडीएम के से लाभ उठाने वाले बच्चों यानी भोजन करने वाले बच्चों की संख्या आप जो आईवीआरएस के माध्यम से देते हैं इसको आप ऐप पर आप प्रयोग में लाइए। ऐप उसको एंट्री की दिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई होगी, वेतन बंद होने इत्यादि अनेक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जब चिट्ठी में क्लियर कहा गया है कि प्रतिदिन संध्या में डेली इसकी रिपोर्ट को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कौन कौन नहीं दिया है, प्रतिवेदन दर्ज नहीं करने वाले विद्यालयों की पहचान कर उन पे कड़ी कार्रवाई की बात, तो आप जरूर और इस शिक्षा कोष ऐप पर एमडीएम के रिपोर्ट को जरूर डालें। अब कैसे डालें, अगर आप लोगों को यह जानकारी चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके लिए लाइव आपको डेमो आपके लिए उपलब्ध करा दूं। लाइव डेमो के माध्यम से आप जरूर को कर लें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, स्कूल के लॉगिन से वो सारा का सारा काम आपको होगा। तो इस वीडियो में इतने ही, जल्दी मिलते हैं नए कॉन्टेंट और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।